खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर आर पार सिर्फ 5.7 पर। मेरठ के डाबका गांव के पास से बीएसपी से विधानसभा प्रत्याशी रहे मोहम्मद आरिफ जोला लापता हो गए हैं। दिल्ली से 10 लाख से ज्यादा की धनराशि लेकर चले आरिफ की स्कॉर्पियो कार हाईवे पर डाबका गांव में मिली है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक आरिफ खुद ही स्कॉर्पियो ड्राइव कर रहे थे। आरिफ को मेरठ से अपने ड्राइवर साजिद को लेना था, जिसे उन्होंने बाईपास पर कंकरखेड़ा फ्लाईओवर पर मिलने के लिए पहले ही फोन कर दिया था, लेकिन जब आरिफ वहां पर नहीं पहुंचे तो उनके साथी ड्राइवर साजिद ने उन्हें फोन किया, लेकिन आरिफ का फोन नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने आरिफ के घर वालों को इसकी सूचना दी। घर वालों के मुताबिक 10 लाख का बैग उनकी गाड़ी में ही था, लेकिन लावारिस मिली जो गाड़ी थी उसमें पैसे नहीं थे। घर वालों ने किसी रंजिश से भी इनकार किया है। फिलहाल अब पुलिस आरिफ की तलाश में जुटी हुई है। सभा के प्रत्याशी हैं मोहम्मद आरिफ साहब, उनके बारे में सूचना मिली है कि उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और वो मिसिंग है। इतनी सूचना मिली है, इस पर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस साहब इसमें जो भी सूचना मिल रही है उस पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अभी तो वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं, बाकी जो सूचना मिली उस पर हम डेवलप कर रहे हैं। ये जी आरिफ दिल्ली से चला तो इसका एक ड्राइवर है और साथी भी है जो मेरठ में अपने बच्चों के साथ यहाँ रहता है। उसने इसे फ़ोन किया कि भाई मुझे कंकरखेड़ा बाईपास पे मिलो और मैं तुम्हें लेके जोला जाऊँगा, सात जोले चलना है। तो ये साजिद यहाँ पे आ गया, उसने इंतज़ार किया तो वो इंतज़ार करता रहा भाई कब फोन आवे। जब फ़ोन नहीं आती, इसने फ़ोन मिलाया, फ़ोन पे घंटी जाती रही, फ़ोन नहीं उठाया गया। तो जब 2 घंटे करीब हो गए तो साजिद ने जोला फ़ोन किया और दिल्ली फ़ोन किया, फिर तो दिल्ली से भी और जोला से सब जगह से हम यहाँ सब आए हैं। इसी खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ शालामणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शलभ, क्या कोई जानकारी मिल पाई आरिफ जोला की? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उनके इस केस को और पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली है। हिमानी, पुलिस का ये कहना है कि अपहरण का आरोप हालांकि घर वाले लगा रहे हैं पर कोई अभी उसकी कोई ठोस उसके सबूत मिल नहीं पाए, और पुलिस का ऐसा मानना है कि ये भी हो सकता है कि वो खुद से कहीं चले गए हों। तो तमाम जो उनके दोस्त हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो उनके कारोबारी जो पार्टनर है उनसे भी पुलिस बातचीत कर रही है। जानकारी जुटाने के साथ ही साथ पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद दे रही है कि लास्ट लोकेशन क्या रही उनके मोबाइल की और किन किन लोगों से उनकी फोन पर बात हुई है। इन सारी चीजों को लेकर पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि बहुत जल्द उनको बरामद कर लिया जाएगा। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया शलभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।